हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है 19th of December 2023 और वी आर बैक विद आवर डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स। सबसे पहले जो खबर है, जो सबसे पहली न्यूज है, जो है वो दैट इज रिलेटेड टू स्पेक्ट्रम अलोकेशन। 2G स्पेक्ट्रम के अलोकेशन के अंदर इरेगुलरिटीज फाइंड आउट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी थी कि जो भी नेचुरल पब्लिक ओन्ड रिसोर्सेज है उनको एट थ्रो अवे प्राइसेस किसी को भी अलॉट नहीं किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव बिडिंग के साथ ही के बाद ही जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं दैट आर पब्लिकली ओन्ड उनको दिया जाएगा। सो स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो वन ऑफ देम दैट इज अ नेचुरल पब्लिकली ओन्ड रिसोर्स। सो अभी क्या है, गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रेटेजिक डिफेंस कम्युनिकेशन लगा लीजिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन लगा लीजिए, इनके लिए गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट को कि हमें अलाउ किया जाए कि ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग का जो प्रोसेस है उसको नॉन ऑक्शन के थ्रू भी हमें अलाउ अलॉटमेंट के लिए अलाउ किया जाए। अलाउ नॉन ऑक्शन स्पेक्ट्रम एलोकेशन इन सर्टेन सिचुएशन सेंटर्स प्ली इन सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली क्या न्यूज है देख लेते हैं। द सेंटर हैज सॉट टू नो फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इफ इट कुड अलोकेट एयर वेव्स एडमिनिस्ट्रेटिवली, दैट मीन्स इफ इट कुड टेक द डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिवली थ्रू सम कैबिनेट डिसीजन और थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विदाउट होल्डिंग कॉम्पिटिटिव ऑक्शन, मीन्स विदाउट दी बिडिंग प्रोसेस। बिडिंग प्रोसेस के बिना, बोली लगाए बिना, ऑप्शन लगाए बिना भी क्या हम एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे अगर जो एप्लीकेशन आते हैं फॉर सम सर्टेन केसेस क्या हम उसको अलॉट कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है। टू एड्रेस द अनएंटिसिपेटेड स्टेट प्रायोरिटीज सच एज नेशनल सिक्योरिटी और इन ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट और व्हेन द टेक्नो इकोनॉमिक पिक्यूलैरिटीज प्रिक्लूड द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम वाया बिडिंग प्रोसेस। तो मतलब कि अगर कोई ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करना हो या नेशनल सिक्योरिटी की बात हो या फिर कोई और टेक्नो इकोनॉमिक पिक्यूलैरिटी आ जाए तो, और जिस टाइम पे ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग का पूरा प्रोसेस करना संभव ना हो तो क्या हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हम स्पेक्ट्रम अलोकेशन कर सकते हैं, ये बात सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट से जानी है। इन अ 2012 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस प्रिस्क्राइब कॉम्पिटिटिव ऑक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल पब्लिक ओन रिसोर्सिस सच एज स्पेक्ट्रम, जैसे कोल है, स्पेक्ट्रम है, जो नेचुरल है पब्लिकली ओन्ड रिसोर्सेज है उनको सिर्फ कॉम्पिटिटिव बिडिंग से ही अलॉटमेंट की जाएगी, अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से नहीं की जा सकती या फिर कोई चॉइस अलोकेशन नहीं की जा सकती। तो ये 2012 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और साथ में प्रेसिडेंशियल डिफरेंस भी हुआ था। सो द सेंटर हैज आस्क द एपेक्स कोर्ट टू इश्यू अप्रोप्रिएट क्लैरिफिकेशन दैट द गवर्नमेंट में कंसिडर द असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो ये पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से। साथ में ही गवर्नमेंट ने एक टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 भी टेबल किया है पार्लियामेंट के अंदर। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो टेबल्ड टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 ऑन मंडे, कल ही मंडे को ही किया, जिसके अंदर ये है कि बिल के जो प्रावधान है, बिल का जो प्रोविजन है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शंस कुड बी अंडरटेकन और सर्विसेज सच एज रेडियो बैकहोल इन फ्लाइट एंड मैरिटाइम कनेक्टिविटी सैटेलाइट सर्विसेज इंक्लूडिंग ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज एटसेट्रा। तो अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट से भी रेफरेंस मांगा है बट साथ में ही मंडे को टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 टेबल किया है पार्लियामेंट के अंदर, प्रस्ताव लेके आया है इस बिल के थ्रू कि हम अगर नेशनल सिक्योरिटी या फिर रेडियो बैकहोल या इन फ्लाइट मैरिटाइम कम्युनिकेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे भी स्पेक्ट्रम अलोकेशन कर सकते हैं। इस बिल के अंदर ये प्रावधान है, ये बिल लेके आए हैं लेकिन साथ में ही एडिशनल क्लैरिटी सॉर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट से एडिशनल क्लैरिटी भी इसके ऊपर मांगी है। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देता है, क्या इसको गो अहेड देगा या इसको डिस्कार्ड कर देगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हेन इज ईडी सेट डायरेक्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू एडजस्ट एक्सेस 755 करोड़ कलेक्टेड फ्रॉम वोडाफोन आइडिया टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी ड्यूज। आपको पता है वोडाफोन आइडिया, जो वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ था और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ इनका बहुत सारे ड्यूज पेंडिंग है। टेलीकॉम अपेलेट ट्रिब्यूनल है, उन्होंने फैसला दिया है वोडाफोन आइडिया के फेवर में। द टेलीकॉम ट्रिब्यूनल हैड
told the Department of Telecommunication, that is Government of India, to adjust the excess 755 crores collected from Vodafone Idea as part of its earlier merger liabilities against its statutory license fees and spectrum usage charges. क्या हुआ था? एक ऑर्डर हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, इनसे 755 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ले लिए थे वोडाफोन आइडिया की मर्जर लायबिलिटी के बेस पे. उसके अगेंस्ट में वोडाफोन आइडिया एप्लेट ट्रिब्यूनल चले गए थे और एप्लेट ट्रिब्यूनल ने वोडाफोन आइडिया के फेवर में डिसीजन दिया है कि जो 755.52 करोड़ जो आपने एक्स्ट्रा कलेक्ट किए थे वो उसकी लाइसेंस फीस या फिर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस के एवज में उसको एडजस्ट कर दीजिए. बेसिकली वोडाफोन आइडिया हैज मूव्ड द टेलीकॉम ट्रिब्यूनल 2019 के अंदर टेलीकॉम ट्रिब्यूनल चला गया था. कंपनी ने चैलेंज किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 3926.3 करोड़ डिमांड की है उसकी स्पेक्ट्रम लायबिलिटीज की तरफ. 3926 करोड़ लायबिलिटीज डिमांड की थी स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस के, ठीक है, और जो कि लिंक किस चीज से था, वोडाफोन आइडिया के मर्जर से लिंक था. फिर गवर्नमेंट ने सब्सिक्वेंटली रिकैलकुलेट किए ड्यूज, तो उसके अंदर जो रिवाइज ड्यूज आए थे वो थे 3170.8 करोड़. मतलब इन्होंने करीबन 755 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ले लिए थे गवर्नमेंट ने, ठीक है. तो अभी जो एप्लेट ट्रिब्यूनल ने, उन्होंने कहा है कि जो 755 एक्स्ट्रा कलेक्ट किए हैं आपने इन लियू ऑफ द स्पेक्ट्रम लायबिलिटी जो कि बाद में आपने रिवाइज करके कम कर दी थी, उसको लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस जो कि वोडाफोन आइडिया के हैं उनके एवज में ही एडजस्ट कर दिया जाए. बेसिकली गवर्नमेंट होल्ड 33.1% स्टेक इन दी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के अंदर. गवर्नमेंट का कितना स्टेक है? 33.1%. ये फैसला वोडाफोन आइडिया के हक में आते ही वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन के स्टॉक ने छलांग मारी और करीबन 4% तक के स्टॉक के अंदर उछाल देखने को मिला. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, श्रीलंका कंसीडर्स परमिशन फ्रीज फॉर चाइनीज स्पाइस शिप्स. काफी टाइम से एप्रीहेंशन रहते हैं इंडिया को कि चाइनीज स्पाइस शिप्स हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट के नाम पे श्रीलंकन पोर्ट्स पर हार्बर कर जाती है और उसके बाद उनके सदर्न स्टेट, इंडिया के सदर्न स्टेट की स्पाई करते हैं, वहां पे जासूसी करते हैं. तो इसी को देखते हुए इंडिया कई बार इस बात को उठा भी चुका है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी उठा चुका है, श्रीलंकन अथॉरिटीज के साथ भी उठा चुका है. और अभी रिसेंटली जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मॉरिशस की, इंडिया की और इंडिया की और श्रीलंका की जो मीटिंग हुई थी जिसको हम कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग भी बोलते हैं, उसके अंदर भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था. और अभी जैसे कि 2024 के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी ड्यू है कोलंबो के अंदर, तो इन सभी चीजों को, इन एप्रीहेंशन को, जो हमारे रीजन की स्टेबिलिटी को देखते हुए श्रीलंका ने अभी एक मोरेटोरियम लगा दिया है, एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है चाइनीज शिप को वहां पे अपने पोर्ट्स पर हार्बर करने से. अभी रिसेंटली चाइना ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी एक मैरिटाइम साइंटिफिक रिसर्च वेसल जिसका नाम था द जियांग यांग होंग 3 कि वो हमारे सर्वे करेगी आपके श्रीलंकन पोर्ट पे. जो रिक्वेस्ट आई थी उसको श्रीलंकन अथॉरिटीज ने ये बताते हुए कि अभी हमारे इलेक्शन ड्यू है और ये रीजनल स्टेबिलिटी को हैम्पर करेगा, तो इसके बाद एक साल तक हम आपको अलाउ नहीं कर सकते कोई भी शिप हार्बर करने के लिए, और इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया. बेसिकली अभी श्रीलंका के अंदर बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी चल रही थी, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया था जो कि हमने एक दो दिन पहले देखा कि उसके रिवाइव, उसके बाद आईएमएफ ने इसको बेल आउट पैकेज दिए जिसके बाद अभी थोड़ी सी पॉजिटिव ग्रोथ आई है, बट दैट इज ऑल्सो लेस देन 1% ओनली. बट इन द कमिंग टाइम्स, अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, गवर्नमेंट भी बूस्टअप कर रही है, स्पेंडिंग कर रही है, हो सकता है थोड़ा इन्फ्लेशन कम होके श्रीलंकन इकोनॉमी थोड़ी बूस्टअप करेगी और इसको अपने इंडियन काउंटर पार्ट और बाकी जो भी रीजनल काउंटर पार्ट है उनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा. सो सिर्फ एक चाइना को ही सपोर्ट नहीं कर सकते, जब तक रीजनल काउंटर पार्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो इसीलिए अभी श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं, आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए, रीजनल स्टेबिलिटी को देखते हुए इन्होंने इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आईपीएल 2024 ऑक्शंस. तो बेसिकली अभी आईपीएल की ऑक्शन रहेगी, 10 फ्रेंचाइजी है इसके अंदर और 330
थ्री प्लेयर्स हैं जिनको 77 स्लॉट्स के अंदर लिया जाएगा। बेसिकली ये ऑक्शन दुबई के अंदर हो रही है, कोका कोला एरिना के अंदर हो रही है, एंड इट इज द बिगेस्ट ऑक्शन इन द वर्ल्ड। और इस ऑक्शन के जो ऑक्शनियर हैं वो हैं मलिका सागर हैं। बेसिकली देखते हैं कि किस प्लेयर को क्या किटी मिलती है इस ऑक्शन के बाद। इंडिया साइंस एज ए ग्लोबल ग्रोथ लीडर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओवर 16% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रोथ IMF। बेसिकली इंडिया के जो IMF ने बताया है कि इंडिया की जो बहुत ज्यादा अभी रोबस्ट ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली है अभी रिसेंट टाइम में, वो ग्लोबल ग्रोथ का 16% है। मतलब 16% ग्लोबल ग्रोथ का हिस्सा सिर्फ इंडिया की वजह से हुआ है। बेसिकली आपने देखा है कि वर्ल्ड लेवल पे टर्मोइल होते हुए भी ड्यू टू डोमेस्टिक फैक्टर्स इंडिया के जो सेक्टर्स हैं सभी सेक्टर ऑलमोस्ट बूम कर रहे हैं। सेंसेक्स ने 70,000 का आंकड़ा पार किया और निफ्टी भी 21,000 को पार कर गया था। अभी हम ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के अंदर डिस्कस किए भी हैं, पिछले 7 वीक से कंटिन्यूस बुलिश साइड देखने को मिल रही है स्टॉक मार्केट। और इंडिया का जो रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज ड्यू टू दी रैपिड डिजिटलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो हमारे ये भीम आधार इस टाइप की जो स्कीम्स आई हैं, डिजिटलाइजेशन हुआ है और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हुए हैं, उनकी वजह से हमारे हर सेक्टर में तेजी देखने को मिली है और इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम कर रही है। और ये फिर इट इज अ लीडिंग ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूटर नाउ एज पर दी IMF। द रिसेंटली रिलीज एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन विद इंडिया बाय द IMF अफर्म्स दैट द नेशंस ट्रेजेक्टरी टू बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ग्लोबली। Despite this positive outlook, India faces various challenges like global challenges, including a slowdown in the worldwide growth in the fragmented world. जबकि worldwide growth बहुत कम हो रही है, India की growth फिर भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अभी Indian government का emphasis infrastructure investment और logistic development में जो है, जो कि बहुत strong foundation दी है Indian economic growth को। Basically 7% से ज्यादा की उम्मीद जताई जा रही है, 7.2% का हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ का। और IMF का भी आउटलुक यही है कि इट विल क्रॉस द 7% आउटलुक इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। IMF की जो एनुअल रिपोर्ट है दैट रिकमेंड्स फोकसिंग ऑन फिस्कल बफर्स, एंश्योरिंग द प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स इन्फ्लेशन कंट्रोल रखना है हमें, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंट्रोल रखना है, और जो इस ग्रोथ से हम बढ़ रहे हैं उसको एक्सेलरेट रखा है, एक्सेलरेटिंग द इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म व्हाइल आल्सो प्रिजर्विंग द डेट सस्टेनेबिलिटी। हमारे कर्जे को कम करते हुए डेट सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए इसी को एक होलिस्टिकली इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ इंडिया को बढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी हैज रीबाउंडेड स्ट्रॉन्गली फ्रॉम द पेंडेमिक एरा। पेंडेमिक के बाद हमने बहुत ज्यादा अच्छे से रीबाउंड किया है, बिकमिंग अ की ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। द रिपोर्ट नोट्स दैट द हेडलाइन इन्फ्लेशन मींस दैट इंक्लूड्स फूड एंड फ्यूल हैज मॉडरेटेड ऑन एन एवरेज। एम्प्लॉयमेंट हैड सरपास्ड द प्री पेंडेमिक लेवल विद द इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेटिंग व्हाइल द फॉर्मलाइजेशन प्रोग्रेस। द फाइनेंशियल सेक्टर रिमेन्स रेसिलियंट एंड द बजट डेफिसिट हैज ईज एंड पब्लिक डिमांड दैट रिमेन एलिवेटेड। तो ये सब इस रिपोर्ट के अंदर बताया है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी बढ़ा है और साथ में इनफॉर्मल सेक्टर में हमारी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ी है, बट फॉर्मल सेक्टर भी बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। कुछ लेबर रिफॉर्म्स की तरफ इन्होंने इशारा किया है कि हमें लेबर रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे डेट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा सो दैट इंडियन इकोनॉमी आने वाले समय में भी बूम करती रहे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.2 हिट्स नॉर्थ वेस्ट चाइना, टोल राइजेड टू 111। बेसिकली चाइना के अंदर 6.2 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया है जिसके बाद मोर देन 100 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, 111 लोग अपनी लाइफ खो चुके हैं। और ये बेसिकली गांसु प्रोविंस के अंदर आया था विद एन एडिशनल 11 कैजुअल्टी इन द नेबरिंग प्रोविंस ऑफ किंघाई। ये अर्थक्वेक अभी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है चाइना का उस रीजन में देखने को मिला है मंडे को, जो कि बहुत ज्यादा 200 प्लस इंजुरीज भी रही हैं इसी मैग्नीट्यूड का एक। और US जियोलॉजिकल सर्वे ने इस मैग्नीट्यूड को 5.9 की दर से आका है। सितंबर लास्ट ईयर के अंदर भी 6.8 मैग्नीट्यूड का चाइना की साउथ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ सिचुआन के अंदर भी अर्थक्वेक आया था जिसमें करीबन 74 इंडिविजुअल्स की जान गई थी। और द मोस्ट लिथल
जो अर्थक्वेक आया था चाइना में देखने को मिला था, वो 2008 के अंदर देखने को मिला था, मेजरिंग 7.9 इन मैग्नीट्यूड एंड क्लेमिंग द लाइव्स ऑफ नियरली 90,000 पीपल इन द प्रोविंस ऑफ सिचुआन। जो बेसिकली दिस सिचुआन प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो सिचुआन प्रोविंस है, ये बेसिकली अर्थक्वेक इसके अंदर आते रहते हैं, और 2008 में 90,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो दिस इज द न्यूज रिलेटेड टू चाइनीज अर्थक्वेक। आज जो फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, हम अपनी मनी मार्केट की बात करें, तो मार्केट आज स्टेबल रहने के आसार लग रहे हैं। मार्केट बिल्कुल स्टेबल ही खुला था, ज्यादा ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि 7 वीक से बुलिश मार्केट रैली कर रही थी, और जो हमारा फियर फैक्टर है दैट इज इंडिया विक्स जो है, उसके अंदर भी काफी उछाल देखने को मिला है, दैट मेजर्स द फियर फैक्टर इन द मार्केट। तो बेसिकली कॉशियसली ट्रेड करने वाला ही दिन आज भी रहेगा जो, और जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट इज ऑन इट्स लाइफ टाइम हाई, सो इट मे गो अप, बट द चांसेस ऑफ गोइंग डाउन आर वेरी मच बिग। तो ट्रेड कॉशियसली, सम ऑफ द स्टॉक्स विच द ईटी इकोनॉमिक टाइम्स हैज सजेस्टेड वी आर डिस्कसिंग दैट, सो सम स्टॉक्स टू बी सीन इन न्यूज आर सेफियर फूड्स, पीएनसी इंफ्राटेक, नेस्ले, एनएचपीसी, सन फार्मा। बेसिकली सेफियर फूड्स के जो प्रोमोटर हैं, सेफियर फूड्स, मॉरिशस एंड समारा कैपिटल, इन्होंने अपने ओपन मार्केट के अंदर स्टेक्स बेच दिए हैं। इसका प्रभाव भी आज की सेफियर फूड के जो स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। आर्कियन केमिकल इंडस्ट्री, इसके अंदर जो पीरामल एंटरप्राइज है, उन्होंने अपने 3.4% स्टॉक बेच दिए, जो कि करीबन 252 करोड़ के थे। पीएनसी इंफ्राटेक इंफ्राटेक कंपनी है, इसको L1 बिडर मिला है, ये लोवेस्ट बिडर रहे हैं किसके लिए, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। तो बेसिकली पीएनसी इंफ्राटेक के शेयर में आज उछाल देखने को, अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। एंड नेस्ले हैज फिक्स्ड द जनवरी 5 एज द रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबल शेयर होल्डर्स फॉर स्टॉक स्प्लिट अनाउंस बाय द कंपनी इन अक्टूबर। तो बेसिकली नेस्ले अपने स्टॉक को स्प्लिट करने जा रहा है, और इसने 5 तारीख रखी है अपनी डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबल स्टेक होल्डर्स। तो दीज आर सम ऑफ द शेयर्स विच द ईटी रिकमेंड्स टूडे टू बी सीन इन न्यूज और टू बी सीन इन मूवमेंट। थैंक यू फॉर द इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस। बी विद मी, बी विद एडुकेशियस। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।